खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। रूपवास कस्बे में मेला ग्राउंड से गांधी पार्क तक स्कूली छात्राओं ने शहीद दिवस पर जागरूकता रैली निकाली। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया। शहीदों के बारे में तहसीलदार अलका श्रीवास्तव व नायब तहसीलदार मनोज खंडूजा ने कहा कि आज के दिन को भुलाया नहीं जा सकता है। भारत माता के सपूत भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने भारत माता की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। अंत में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर CBO नम्रति सिंह गुजर, राजन शर्मा, सर्वेश चौहान, गिरीश राजन जैन एवं अन्य लोग मौजूद थे। आप सभी से इस दिन का आग्रह यही है मनाने का कि आप उनको याद रखें। हमारे जितने भी देशभक्त हैं जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, हम उनको सच्चे दिल से याद रखें। उनके जो आदर्श हैं, जो उनकी कुर्बानी है, उसको कभी नहीं भूलें और देश के लिए जितना कर सकते हैं अपने तन से, मन से, धन से और अपनी भावनाओं से उतना अपने देश के लिए करें। इसी कड़ी में एक चीज मैं यहाँ अतिरिक्त जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूर्व में 22 मार्च 2020 को कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ था और इससे हम भलीभांति वाकिफ हैं। सभी लोगों के द्वारा कितनी उसको ये देश कभी नहीं भुला सकता। ऐसे ही न जाने कितने शहीदियां हमारे देश के नौजवानों ने दी, तब जाके हमें आजादी का ये अवसर प्राप्त हुआ। आप लोगों को 23 मार्च को फांसी दी गई, जो कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम से एक दिन पूर्व दी गई। इनका युवा खून ताऊ आजादी के लिए धड़कता रहा। बहुत कम से उम्र में ही ये आजादी की लड़ाई में जुट गए और अंग्रेजों के मजबूत प्रशासन की नींवें हिलाकर रख दी। इनका प्रमुख नारा था इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने एक युवा क्रांति पैदा कर दी। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।